हेलो दोस्तों, आई विल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लियर रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तो दोस्तों, हम लोग का पार्ट टू में यहाँ तक हो गया था, ये पार्ट थ्री है। तो हम लोग कहाँ से लगाएंगे, इसकी इधर से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्लाट दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का यहाँ से लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अच्छी स्थिति पर हमने वीडियो डाल दी है, और यहाँ पे गॉस के प्रमेय पे भी वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो अब दोस्तों, गॉस के प्रमेय के जो नीचे सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए, चलिए सवाल को हल करते हैं। तो पहले क्या दिया है, 2 × 10⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश का कण 18 सेंटीमीटर की दूर पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, 1/4 πε₀ × Q/d। तो दोस्तों हम लोग सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों क्या है, हम लोग का वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है, विभव भी बराबर 1/4 πε₀ × Q होता है। तो के हम लोग का वायु में है, तो के का मान 1 हो जाएगा, तो इसलिए इतना Q/d होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सूत्र होता है, ठीक है। तब इसी सूत्र पे हम लोग को मान रखना है, Q बराबर हम लोग का ऑलरेडी दिया था 2×10⁴ कूलाम, और दोस्तों V बराबर इसका मान कितना होता है, 9×10⁻¹, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 9×10⁻¹ क्या होता है, 9 होता है गुड़े, और 2×10⁻¹ अपॉन, और यहाँ पे कितना दिया था हम लोग का 18 मीटर दिया है, 18 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ 18, यहाँ पे हाँ 18 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब इसी को हल कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा भी बराबर, मान लीजिए 2, 2×2, 2×9 = 18, 9×9, 9×9, 9 से 9 गया, यानी 10⁻¹ × 9×10⁻¹⁴, घटाएंगे भी बराबर कितना आ जाएगा, 10⁵, यानी कि लगभग हम लोग का 10⁵ वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, VOLT वोल्ट आंसर, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, अन्य प्रेरणा, इस पर हमने न्यूमेरिकल भी हल करवा दिया, ठीक है। तब अथवा में आते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपके सारे आंसर का जवाब मिल भी जाए, ठीक है। तो प्रत्यावर्तित वोल्टेज भी बराबर V0 sin ωt से प्रेरकत्व L साइन संधारित्र L तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा Z व Φ के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने सूत्र प्राप्त किया, पहला आपको ऐसे चित्र बना लिया, ठीक है, और LCR जो परिपथ है हम लोग का क्या करना है, उसको सारे को श्रेणी क्रम में जोड़ देना। अब यहाँ पे पढ़िए आपको क्या लिखा गया, टोटल चित्र के बारे में लिखा गया, चित्र जो है, ठीक है, जब परिपथ में प्रतिरोध आर, यहाँ पे देखिए, जब परिपथ में प्रतिरोध आर प्रेरकत्व की एक कुंडली, यह प्रेरकत्व क्या है, कुंडली है ना हम लोग का, ऐसे ऐसे है तो एक कुंडली है, ठीक है, कुंडली व धारिता सी, अब धारिता सी, यानी ये तीनों, अब देखिए तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तीनों श्रेणी क्रम में क्या है, जोड़े हैं, तो किसी भी क्षण प्रतिरोध आर के सिरे के बीच विभवांतर भी आर तथा धारा आई समान कला में होगा, प्रेरकत्व यल में प्रेरित विभवांतर भी यल धारा आई के कला में 90° अग्रगामी होगा, परंतु संधारित्र सी में प्रेरित विभवांतर भी सी धारा आई कला में 90° पश्चगामी होगा। बस आपको इतना चीज याद रखना है, जो हम लोग का VL है वो अग्रगामी है 90° कला में, ठीक है, और VC जो है 90° पश्चगामी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चित्र बनाएंगे, ठीक है, ऐसे आप बनाइएगा चित्र और लिखिएगा, सदिश चित्र में VC व VL विपरीत दिशाओं में होंगे। देखिए यहाँ पे VC ऊपर की नीचे की ओर जा रहा है, VL ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में है ना, ठीक है, तो विपरीत दिशा में होंगे, अर्थात VC तथा VL का परिणामी विभवांतर जो होगा VL-VC होगा। इस प्रकार VR व VL-VC परस्पर लंब है। अब यहाँ पे देखिए ये लंब है, ठीक है, इस पर लंब है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब है। अब
आरोपित विभवांतर भी बराबर क्या होगा? तो दोस्तों हमने भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर आर प्लस भी एल माइनस भी सी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे माना था धारा आई, ठीक है, भी आर को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भी यानी भी आर बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो हमने जब ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर रूप में लिख देंगे। और भी एल बराबर क्या लिखे, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, ठीक है। ये क्या हम लोग का अग्रगामी है या पश्चिगामी है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रगामी या पश्चिगामी, ठीक है। तो ये चीज मान रख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई। जब इसको हम लिखेंगे तो आई स्क्वायर इसमें से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, आई स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो हम लोग का कितना बचा, यहाँ पे देखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। चूंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है बी आर बराबर आई इंटू आर, बी एल बराबर आई इंटू एक्स एल, बी सी बराबर आई एक्स टू एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिख दिए वी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो कॉमन लिए थे, बस आपको यही चीज हमने आया था, ठीक है। अब इसको आई स्क्वायर को हमने बटम भेज दिया। तो बटम जब भेजेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर इसका जब एक मतलब मॉड अंडर रूट निकालेंगे तो हम लोग का वी बटा आई का मान निकल जाएगा। अब वी बटा आई को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं, ठीक है। अतः परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि वोल्टेज भी तथा धारा में मध्य कालांतर फाई हो तो सदिश चित्र बी से, ठीक है, टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बटा वी आर, और सेम टू सेम जो मान हमने रखा तो वही मान रखेंगे। तो फिर आई का मान होगा, आई का मान होगा तो फिर कटेगा, फिर कटेगा तो फिर हम लोग का यही चीज आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फाई का मान हो गया, और ये हम लोग का प्रतिबाधा जेड की मान हो गई, जो हमने पूछा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए, प्रतिबाधा जेड वो फाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये फाई के लिए सूत्र हो गया और ये प्रतिबाधा जेड के लिए सूत्र हो गया, हम लोग को दोनों ही ज्ञात हो गया, हम लोग को 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नोट में आप देख लीजिए, नोट में क्या करना है, कहीं कहीं एक्सएल बराबर डब्ल्यू मतलब ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ωc रखा जाता है, ठीक है। और अनुनादी स्थिति में क्या होता है, ओमेगा एल बराबर 1/ωc बराबर हो जाता है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, ठीक है। तो जहां ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो मान है ना, ये वाला मान रख के, ये वाला मान रख के आंसर करते हैं, मतलब आपका कैसे हो जाएगा, हो जाता है ये ऐसे दे देगा, फाइव बराबर टेन इनवर्स, देखिएगा। अब यहाँ पे दे देगा ना, यहाँ पे देखिए एक्सएल का मान कितना है, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल माइनस 1/ωc पूरे का बटा आर। तो ये हम लोग का फाई का मान दे देता है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये भी हम लोग का फाई का मान एकदम बिल्कुल सही है, और सेम टू सेम प्रतिबाधा में भी यहाँ पे मान रख लेंगे वही चीज, ठीक है। तो हम लोग का भी सही है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो ऐसे भी यहाँ पे मान रख भी सकते हैं, नहीं तो अलग से नोट नोट लिख कर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, अनुनादी स्थिति में इतना, ठीक है, हो गया दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए, इसके लिए आधार पर अपवर्तन की प्रक्रिया क्या। इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाया है, हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत की अलग वीडियो है और अपवर्तन की व्याख्या का अलग वीडियो। अपवर्तन की व्याख्या आपको इतना अच्छे से समझाया हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं कर सकते हैं, हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो मेरा वीडियो आ जाएगा, यही 2-3 नंबर में आ जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके जो प्लेलिस्ट दें वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसमें बड़े द्वारक के अभिदृश्य की आवश्यकता क्यों पड़ी है, और इस पर एक सवाल भी है दोस्तों। यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी, अभिदृश्यक लेंस में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इतना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो यहाँ पे देखिए विभेदन क्षमता, ठीक है, विभेदन क्षमता लिखा क्या गया है, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्षमता, ठीक है, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन विभेदन क्षमता उसकी समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता है। बस इतना ही लिखना है, विभेदन क्षमता बराबर क्या होगा, 2n sin α/1.22 लैम्डा, ठीक है।
अब यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है वो चीज यहाँ पे जो ये नेक्स्ट में पूछा है, इसके बड़े द्वारक का उपदेशक, ठीक है, बड़े द्वारक वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, दूरदर्शी की विवेदन क्षमता बढ़ाने के लिए दूरदर्शी में बड़े द्वारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े द्वारक के अविदृश्यक लेंस के कारण प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनाता है, मतलब अधिक चमकीला बनता है। यद्यपि बड़े द्वारक का लेंस से प्रतिबिंब में गोलिया, अब दोस्तों ये जानेंगे इसमें बड़े द्वारक के अविदृश्य की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी की विवेदन क्षमता बढ़ाने के लिए दूरदर्शी में बड़े द्वारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े द्वारक में अविदृश्यक लेंस के कारण प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। यद्यपि बड़े द्वारक का लेंस से प्रतिबिंब में गोलीय विपथन का दोष बढ़ जाता है, अतः दूरदर्शी में अविदृश्यक के रूप में बड़े द्वारक का परवलयाकार दर्पण का प्रयोग होता है, मतलब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट भी है, दूरदर्शी की विवेदन से मामलों को ज्ञात करना, तो इसकी सूत्र होता है 1.22 λ/d। तो हम लोग का लैम्डा का मान दिया यानी तरंग 6000 एंगस्ट्रॉम, और डी का मान दे दिया 50, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लिया है 10^63 दूर से गुणा करके, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को भी हमने मीटर में बदला है, तो 10^63 10 से गुणा किया है। अब बस इसको हल करके आपका आ जाएगा आंसर 1.46 × 10^6 रेडियन, ठीक है। तो दोस्तों यही आंसर है इसका। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में लिंक आप जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, जो 2019 का चौथा सेट होगा, तो अब वो हल कराया जाएगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और तुरंत के तुरंत आप देख लें, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।